हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर के अकेडमी फाउंडेशन पे। दोस्तों, आज मैं ऐसा टॉपिक लाया हूं, इस टॉपिक को सभी को जानना चाहिए, नॉलेज रखना चाहिए इस टॉपिक से रिलेटेड। चाहे जो कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हैं उनको भी इस चीज के बारे में जानकारी तो होना ही चाहिए, और जो नहीं भी पढ़ाई कर रहे हैं उनको भी इस टॉपिक के बारे में, ऐसी चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों, वो टॉपिक है आज का, आसमानी बिजली क्यों गिरती है। मैं ये बिजली की बात नहीं कर रहा हूं जो अपने को इलेक्ट्रिसिटी अभी अपने डेली लाइफ में यूज करने के लिए मिलती है, इस बिजली की बात नहीं कर रहा हूं। मैं आसमानी बिजली की बात कर रहा हूं कि आसमानी बिजली क्यों गिरती है। दोस्तों, मैं 5 तरह के क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि हर एक के माइंड में इस तरह के क्वेश्चन माइंड में क्रिएट होता है, और वो उलझने में कहीं कहीं रहता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। चाहे वो पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो पढ़ाई नहीं भी कर रहे हैं, तो इस तरह की बातें उनके माइंड में आती है। तो मैं इस 5 ऐसे क्वेश्चन लाया हूं जो आपके माइंड में बार बार आपको परेशान करता है, या कभी कभी मन करता है कि इसको जाने, जो कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हैं उनकी मन में ऐसी इच्छा होती है इनके बारे में जाने, क्या होती है, क्यों होती है, इसका कारण जाने। और जो नहीं पढ़ाई लिखाई भी करते हैं उनके माइंड में भी क्वेश्चन तो आता है, लेकिन आज उसको डिटेल में समझेंगे। दोस्तों, 5 तरह के क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके, आसमानी बिजली क्यों गिरती है। तो आज अपने जानेंगे कि आखिर आसमान से जो बिजली गिरती है क्यों गिरती है। सेकंड क्वेश्चन आपके, बिजली गिरती है तो आवाज क्यों करती है। आपने सुना होगा जब बिजली गिरती है तो काफी आवाज करती है, आखिर ऐसा क्यों, इसका आज पूरा डिटेल में अपने जानेंगे। थर्ड क्वेश्चन है दोस्त, बिजली गिरती है तो पहले लाइटिंग फिर आवाज क्यों आती है। जब बिजली गिरती है तो पहले अपने को दिखता है, उसकी प्रकाश दिखती है, उसके बाद में क्या आती है, उसकी आवाजें आती है। आपके फोर्थ क्वेश्चन है, क्या इनसे बचा जा सकता है, क्या हम इससे बच सकते हैं। इनको भी आज जानेंगे कि बचा जा सकता है या नहीं जा सकता है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आसमानी बिजली एक जगह पर बार बार गिरती है। हर एक के माइंड में कुछ लोग इनके अफवाहें फैलाते हैं, जहां एक बार आसमानी बिजली गिर गई बार बार वहां गिरने की पॉसिबिलिटी रहती है या नहीं, आज उसको डिटेल में अपने जानेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं, आज शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी, आसमानी बिजली, सबसे पहले ये जानते हैं आज आसमानी बिजली क्या होती है। दोस्तों, ये जो है आसमानी बिजली जो है, जब पृथ्वी की सतह से भाप बनके, पानी भाप बनकर जब ऊपर उठता है, एक 165 मीटर की ऊंचाई पर जब जाता है, जब नीचे सतह की, पृथ्वी की सतह से वाटर, पानी वाष्प होकर क्या होता है, ऊपर उठता है, और 165 मीटर की ऊंचाई पर जब पहुंचता है तो उसके तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आ जाती है। मान लीजिए यदि उसका टेम्परेचर, उसका तापमान पहले 100 डिग्री था, तो दोस्तों 165 मीटर की ऊंचाई पर जब वो पहुंचेगा तो उसके टेम्परेचर में, उसके तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाएगी। जैसे पहले उसका तापमान यदि 100 डिग्री था और 165 मीटर की ऊंचाई पर जब पहुंचेगा वो, तो उसके 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगी, यानी कि उसका तापमान उस वैसे जगह 165 मीटर की ऊंचाई पर हो जाएगा कितना, 99 डिग्री सेल्सियस। तो आपने क्या देखा, नीचे सतह से जब पानी वाष्प होकर क्या होता है, ऊपर उठता है, 165 मीटर की ऊंचाई पर जब जाता है तो उसके तापमान में 1 डिग्री की कमी हो जाती है। दोस्तों, पढ़ने वाले बच्चे के लिए एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसे पॉइंट को माइंड में रखें। तो दोस्तों, 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री टेम्परेचर की कमी हो गई। दोस्तों, वहां पे क्या होता है, वो वाष्प टुकड़े टुकड़े भागों में खंडित हो जाता है। क्या हो जाता है, जब 165 मीटर क्रॉस करता है और उसके तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है, तो वो क्या होता है, छोटे छोटे बिंदु के आकार में वो क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है दोस्त, अलग अलग छोटे छोटे टुकड़े में हो जाता है। और वही टुकड़े क्या होता है, जब आपस में क्या होता है,
टकराता है, आपस में क्या होता है टकराता है, तो वैसे वक्त जिस टाइम अलग हुआ है, अलग अलग टुकड़ा बूंदी वो जो है ना वाष्प जो है ना अलग अलग टुकड़ों में खंडित हुआ है, जब वो आपस में क्या होता है टकराता है, तो वैसे वक्त स्टैटिक घर्षण वहां उत्पन्न होता है। क्या होता है? स्टैटिक घर्षण उत्पन्न होता है। ऐसे वक्त में आपने सुना होगा कि आसमान से बर्फ गिर रहा है, आपने क्या आप बोलते भी हैं और कभी कभी अपने को देखने के लिए भी मिला होगा। तो दोस्तों वो आसमान से जो बर्फ गिरता है आखिर वो क्या है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो 165 मीटर की ऊंचाई पर जो आपका वाष्प ऊपर गया वो छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े के रूपों में कन्वर्ट हो गया। वही बर्फ का टुकड़ा जब आपस में टकराता है, टकराने के बाद उस वक्त एक स्टैटिक घर्षण क्रिएट होता है, एक स्टैटिक घर्षण उत्पन्न होता है, और घर्षण उत्पन्न होने के बाद वही छोटे छोटे टुकड़े जो अलग हुआ था वही क्या होता है आसमान से गिरता है। तो हम लोग कहते हैं कि आसमान से बर्फ गिर रहा है। हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड्स? आसमान से बर्फ गिर रहा है। दोस्तों आपने क्या जाना? सबसे पहले जाना नीचे पृथ्वी की सतह से जब पानी वाष्प होकर 165 मीटर की ऊंचाई पर जाता है तो वहां पे उसके तापमान में 1 डिग्री की कमी हो जाती है, और कमी होने के बाद वो छोटे छोटे टुकड़े बर्फ के टुकड़े के रूप में आकार ले लेता है। वही आकार छोटे छोटे टुकड़े का आकार जो लिया है वो आपस में क्या होता है जब टकराता है, टकराने के बाद उस टाइम जो है ना एक स्टैटिक घर्षण उत्पन्न होता है, और उसके बाद वो क्या होता है पृथ्वी की सतह पर गिरता है, क्या कहते हैं बर्फ के टुकड़े के रूप में। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो है ना आसमान से बर्फ गिर रहा है। तो दोस्तों आज से आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको ये समझ होनी चाहिए आखिर ये क्यों गिरता है। तो एक ही इसका जो है ना रीजन देंगे, नीचे भाप जो ऊपर जाता है 165 मीटर की ऊंचाई पर तो वहां उसके तापमान में 1 डिग्री की कमी हो जाती है, उसके बाद वो छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है। वही जब आपस में क्या होता है टकराता है तो पृथ्वी के सतह पर गिरता है, तो उसी को हम कहते हैं कि बर्फ जो है ना आसमान से बर्फ गिर रहा है, आसमान से बर्फ गिरता है। दोस्तों यहां तक आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, ये जो ना बिजली का गिरना, आखिर आसमानी बिजली क्यों गिरती है इसके बारे में अब जानते हैं। तो दोस्तों इससे पहले आपने क्या जाना? आसमान से बर्फ जो गिरता है, ठीक है, अब जानेंगे आसमानी बिजली क्यों गिरता है। दोस्तों अभी मैं बताया जब वह टुकड़ा जो क्या होता है 165 मीटर की ऊंचाई से अबव जब ऊपर जाता है अब की ओर जाता है तो क्या होता है छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है। उस टाइम जो स्टैटिक घर्षण उत्पन्न होता है उस टाइम दो तरह के आवेश क्रिएट होता है, दो तरह के चार्ज उत्पन्न होता है, जो एक होता है पॉजिटिव चार्ज एक होता है नेगेटिव चार्ज। ये कहां से क्रिएट हुआ? जब बर्फ के टुकड़े क्या हुआ आपस में टकराया, किसके कारण टकराया, तो उस टाइम जो है एक स्टैटिक घर्षण उत्पन्न होता है, उसी स्टैटिक घर्षण के कारण दो तरह के चार्ज क्या होता है क्रिएट होता है, दो तरह के चार्ज उत्पन्न होता है, दो तरह के आवेश उत्पन्न होता है, पॉजिटिव चार्ज पृथ्वी की सतह की ओर आ जाता है और नेगेटिव चार्ज ऊपर ही रह जाता है। दोस्तों आपने क्या देखा? वो बर्फ के टुकड़े जब आपस में टकराता है स्टैटिक घर्षण क्रिएट होता है, उस घर्षण के कारण दो तरह के आवेश वहां पे क्या होता है उत्पन्न होता है, दो तरह के चार्ज क्रिएट होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज एक होता है नेगेटिव चार्ज, एक होता है पॉजिटिव चार्ज एक होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज पृथ्वी की ओर आ गया और नेगेटिव चार्ज ऊपर की ओर चला गया। क्या देखा आपने? नेगेटिव चार्ज ऊपर की ओर चला गया और पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो वो नीचे की ओर आ गया। आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है कैसे उत्पन्न हुआ, तो आप इसका जवाब क्या देंगे? ये जो उत्पन्न हुआ है क्या दो बर्फ के टुकड़े 165 मीटर के क्रॉस करने के बाद छोटे छोटे टुकड़ों जो खंडित हुआ था वो आपस में टकराया तो वहां पे एक स्टैटिक घर्षण उत्पन्न हुआ। स्टैटिक घर्षण उत्पन्न होने के बाद दोस्तों वहां पे क्या हुआ? दो तरह के आवेश क्रिएट हुआ। पहला आवेश, फर्स्ट आवेश जो है एक नेगेटिव आवेश, दूसरा पॉजिटिव आवेश। नेगेटिव आवेश ऊपर की ओर चला गया, पॉजिटिव आवेश पृथ्वी की सतह पे आ गया। तो दोस्तों अब नेक्स्ट बात करते हैं, आपने ये सुना होगा
का पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव की को क्या करता है, अपनी ओर खींचता है। ये मान लीजिए कि नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है और नीचे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज को हमेशा ही क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज अपनी ओर खींचता है। तो ये आप पहले से भी जानते हैं, यदि नहीं भी जानते हैं आज इसको अपने जानते हैं, जानेंगे अच्छी तरह से। तो दोस्तों नेगेटिव चार्ज ऊपर चला गया और पॉजिटिव चार्ज नीचे आ गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, पृथ्वी की सतह पे जितने भी वस्तुएं हैं सबके पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और पॉजिटिव चार्ज ऊपर से क्या है, आया है पॉजिटिव चार्ज, तो वो हमेशा ही क्या करता है, नेगेटिव को अपनी ओर खींचता है। और नेगेटिव भाई साहब हमेशा ही पॉजिटिव चार्ज को ढूंढता है, भाई साहब आप कहाँ गए, क्यों, क्योंकि उसको जाना जब तक पॉजिटिव चार्ज के संपर्क में नहीं आता है तब तक वो अनस्टेबल होता है, वो अस्थाई रूप अपने आप को अस्थाई मानते हैं। तो हमेशा ही नेगेटिव चार्ज जो है ऊपर में, वो हमेशा ही पॉजिटिव चार्ज को खोजता है और पॉजिटिव चार्ज करता है कि मैं तो मजबूत हूँ, मैं तेरे को नीचे की ओर खींचूंगा, तेरे को मैं अपनी ओर खींचूंगा। तो दोस्तों दोनों एक दूसरे को क्या करता है, अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन नेगेटिव चार्ज के पास वो क्षमता नहीं होती है, वो तो चाहता है भाई किसी तरह मैं पॉजिटिव चार्ज के पास गिर जाऊं। लेकिन पॉजिटिव चार्ज कहता है मैं तेरे को तो खींच लूंगा, क्योंकि इसके पास पावर है। तो दोस्तों पृथ्वी के सतह पे जो वो पॉजिटिव चार्ज आया, पॉजिटिव आवेश आया, तो आप देखे होंगे जितने भी पेड़ पौधा होता है, जितने भी घासें होती है, झाड़ियां होती है, ये क्या होता है, जब पृथ्वी के सतह पर हवा चलती है तो आपस में आपने देखा होगा, जैसे गेहूं की खेती हो गई, धान की खेती हो गई, या पेड़ पौधा जहां पे बहुत सारे हैं, जब हवाएं बहती है तो आपस में क्या होता है, एक दूसरे से, मान लीजिए एक ये पौधा है, एक ये पौधा है, ये इस पे टकराएगा और ये इससे टकराएगा, ये इससे टकराएगा और इससे टकराएगा। तो आपने क्या जाना, नीचे तो आया था पॉजिटिव चार्ज, नीचे क्या आया था, पॉजिटिव चार्ज। तो ये भी पौधा है और ये भी पौधा है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, नेगेटिव भाई साहब ऊपर है, नेगेटिव भाई साहब का कोई रोल नहीं है। तो अभी ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी इससे टकराया, ये भी इससे टकराया, ये भी इससे टकराया। तो होता है क्या दोस्तों, पॉजिटिव पॉजिटिव टकराता है तो क्या होता है, उसका पावर और क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्या होता है, पावर और ज्यादा ही बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होती है, जिसके कारण उसकी इतनी पावर बढ़ जाती है। मान लीजिए कि बारिश हो रही है, हवाएं चल रही है, तो पानी के जो छोटे छोटे बूंदे जो गिरता है वो क्या होता है, काफी ठंडा होता है। और जन वो क्या होती है, हवाएं चल रही है, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज क्या हो रही है, आपस में टकरा रही है, तो उसका पावर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ऐसे सिचुएशन में दोस्तों क्या होता है, निगेटिव भाई साहब जो ऊपर देखते रहता है कि मैं कब नीचे गिरूं, तो नीचे जो है पॉजिटिव इतना पावर होता है कि वो क्या करता है, नेगेटिव को अपनी ओर खींचना शुरू कर देता है। क्या करता है, अपनी ओर खींचना शुरू करता है। जैसे ही नेगेटिव नीचे पृथ्वी के सतह पर आना शुरू करता है, वैसे ही क्या होता है, वो पानी के बूंदे के संपर्क में आ जाता है। कौन, नेगेटिव चार्ज। कौन आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। नेगेटिव चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज जैसे ही पृथ्वी की सतह की ओर पॉजिटिव चार्ज की ओर आती है, वैसे ही क्या होता है, बीच में उसको भाई साहब पानी के छोटे छोटे बूंदे उसको मिल जाता है। और जैसे ही मिलता है भाई साहब, पानी का बूंदा जो क्या होता है, ठंडा होता है काफी, और ऊपर से नेगेटिव जो आता है, नेगेटिव चार्ज भाई साहब, उसका तापमान इतना होता है कि आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ बेसिक चीज जानते हैं जिससे आपको समझ में आएगा, तो इसका जो है ना समझ, आप क्या करते हैं, आप देखिए आसमान बिजली का जो वोल्टेज होता है 10 करोड़ होता है, कितना होता है, 10 करोड़ वोल्ट होता है। दोस्तों हम लोग घरों में जो यूज करते हैं 220, अब देखिए 220 हम लोग के लिए सफिशियंट है। यदि किसी के शरीर पे यदि आसमानी बिजली कितना, 10 करोड़ वोल्ट, समझ रहे कितना है पावर है। और आसमानी बिजली का हीट जो है ना, हीट है 27 डिग्री टेम्परेचर, यही का भी मैं बात कर रहा था दोस्त। जैसे ही वो नीचे गिरता है, नीचे की ओर आता है पॉजिटिव चार्ज की ओर, तो बीच में पानी के बूंदे मिलता है, और पानी के बूंदे जैसे ही मिलता है तो इसका हीट कितना होता है, 2700 डिग्री सेल्सियस, कितना होता है, 2700 डिग्री सेल्सियस, 2700 डिग्री सेल्सियस होता है। तो दोस्तों तो क्या होता है, सॉरी दोस्तों यहाँ पे आपके 27,000 हो जाएंगे, ठीक है, 27,000 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 27,000 डिग्री सेल्सियस। वो जैसे ही पानी के बूंद के संपर्क में आता है, वो क्या होता है, अचानक जो क्या होता है,
खोल उठता है। जैसे आप सब्जी बनाते हैं कढ़ाई में, कढ़ाई गर्म होता है, उसमें तेल डालते हैं, तेल डालने के बाद जो भी उसमें मटेरियल आप डालते हैं, और उसके बाद जब सब्जी डालते हैं तो देखते हैं कितनी आवाज करती है। इसकी आवाज करने का कारण क्या है? इसका आवाज करने का दोस्तों ये कारण है क्योंकि आपने ज्यादा हीट था वहां पे और आपने ठंडा चीज आके उसके संपर्क में जैसे आया, क्या हुआ, आवाज आया, छन छन आया। वही कंडीशन होता है जब बिजली गिरती है, जब आसमानी बिजली गिरती है तो वही कंडीशन होता है। क्या होता है? क्योंकि इसका हीट है 27,000 डिग्री सेल्सियस। इसका हीट कितना है? 27,000 डिग्री सेल्सियस, जो कि सूर्य के तापमान से भी ज्यादा है। सूर्य का कितना है? 6,000 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इसका कितना होता है? 27,000 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही पानी के संपर्क में आता है आपको आवाज करता है, पूरा एकदम भयंकर आवाज आता है। और आप अपने लोग क्या कहते हैं? बिजली गिरा। अपने लोग क्या कहते हैं? आसमान से बिजली गिरा। तो आज आपको क्या समझ में आया? उसका ताप, उसका हीट इतना होता है, उसका हीट इतना होता है, कितना होता है? 27,000 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि पानी का टेम्परेचर नॉर्मल है, ठंडा है। अब पानी बारिश हो रही है तो उसका तापमान क्या है भाई साहब? नॉर्मल है। जैसे ही उसके संपर्क में आता है कि एक भयंकर आवाज होती है। और जो है ना, इसलिए कहा जाता है सो वहां आपको जो है ना, जब बिजली गिरती है तो पहले आपको लाइटिंग दिखती है, ठीक है। उसके उसको पहले आपने देखा होगा, कभी ऐसा देखा होगा जब बिजली गिरती है तो पहले चमकती है या आवाज गड़गड़ाती है तो पहले क्या होती है, आपको देखने को मिलता है लाइटिंग। ऐसे ऐसे इस वे में जो है ना, आपको देखने को मिलेगा आसमान में। उसके बाद क्या होता है? उसकी आवाज आती है। तो दोस्तों आपने क्या देखा? जैसे वो पानी के संपर्क में आया, आवाज करती है। अब दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली गिरती है तो आवाज क्यों करती है? आसमान बिजली क्या होती है, समझ में आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, बिजली गिरती है तो आवाज क्यों करती है? तो दोस्तों ये भी आपने समझ लिया, क्यों आवाज करती है? क्योंकि उसका हीट जो है इतना ज्यादा है कि जैसे ही पृथ्वी की सतह की ओर आता है, बीच में पानी की बूंदे मिलती है, वैसे टाइम क्या होती है, उसके संपर्क में जिस प्रकार कढ़ाई में सब्जी डालते हैं छनछना जाता है, उसी प्रकार जब 27,000 डिग्री सेल्सियस उसका हीट जब किसी ठंडे चीज के संपर्क में आता है तो आवाज करता है। तो आपने क्या देखा? सो ये भी क्वेश्चन आपका फर्स्ट का आंसर मैं दे दिया, सेकंड का भी आंसर दे दिया, बिजली गिरती है तो आवाज क्यों करती है? क्यों करती है? क्योंकि उसका हीट इतना होता है, सूर्य के हीट से भी ज्यादा होता है। कितना होता है? 27,000 डिग्री सेल्सियस होता है। और पानी का तो जो हीट नॉर्मल होता है, जैसे ही ठंडा में आता आवाज करता है। दोस्तों ये भी समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली गिरती है तो पहले लाइटिंग फिर आवाज क्यों आती है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिए, क्योंकि आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या है आपके, बिजली गिरती है तो पहले लाइटिंग फिर आवाज क्यों करती है? ये कॉमन सी बात है, लॉजिकल बात है, कि कोई भी मतलब जो पढ़े लिखे भी है उनसे भी पूछो, जो पढ़े नहीं भी पढ़े लिखे हैं उनसे भी पूछो, दोनों आपको बताएंगे भाई साहब जब बिजली जो है ना चमकती, गांव घर में कहते हैं बिजली चमकती है, गरजती है, तो पहले देखने को मिलता है अपने को, उसका प्रकाश पहले अपने को देखने को मिलता है, फिर बाद में अपने कान को क्या होता है, सुनाई देता है। इसका कारण क्या है? पहले क्यों दिखता है, उसके बाद फिर उसको वो सुनाई देता है। दोस्तों इसका कारण है, जो पढ़े लिखे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी, और जो नहीं पढ़ाई लिखाई करते हैं, यदि वो ऐसे वीडियो को देख रहे हैं ऐसे वक्त, तो उनको थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती है दोस्तों। क्यों? क्योंकि पर साउंड की गति होता है 330 मीटर पर सेकेंड। देखिए यहाँ पे साउंड की गति होती है 330 मीटर पर सेकेंड, और लाइट की गति होता है 3×10^8 मीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों सीधी पढ़ने वाले बच्चे को समझ में आ गया होगा कि पहले दिखती क्यों हुई है, पहले दिखती क्यों है उसके बाद आवाज क्यों आती है। क्योंकि दोस्त लाइट की गति ज्यादा होती है और आवाजें की गति कम होती है, इसलिए जब बिजली गिरती है या गरजती है या गिरती है तो पहले अपने को देखने को मिलता है, उसके बाद उसका आवाज कान में सुनाई देता है। तो दोस्तों समझ में आया, क्या समझ में आया, क्यों पहले देखने को मिलता है,
उसके बाद क्यों सुनाई कान में देता है? इसका कारण एक ही चीज है फ्रेंड्स, इसका क्या कारण है? सो लाइट जो है ना, प्रकाश की गति जो होती है ज्यादा होती है, इसलिए पहले अपने को देखने को मिलता है, पहले उसको हम देखते हैं। कितना होता है? 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। किसका? प्रकाश की गति। प्रकाश की गति कितना होता है? 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब बात करते हैं, बाद में मेरे को सुनाई देता है तो आवाज की सुनाई देता है तो साउंड की भी तो गति होगी ना, आवाज की भी तो गति होगी ना, तो आवाज की गति कितनी होती है? 330 मीटर पर सेकेंड। देखिए जहां 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड कितना ज्यादा है, और जन आवाज की देखिए गति कितना है, 330 मीटर पर सेकेंड, तो जब कितना कम है दोस्तों। यही कारण है कि जब बिजली गिरती है तो पहले या चमकती है या क्या कहते हो गर्म क्या कहते हैं उसको, बादल में जाना मूव करती है, तो ऐसे वक्त आपको पहले क्या होता है, देखने को मिलता है, क्योंकि प्रकाश का गति ज्यादा होता है दोस्तों। क्या होता है? प्रकाश की गति ज्यादा होता है, इसलिए पहले अपने को क्या होता है, देखने को मिलता है। और आवाज की साउंड की गति क्या होती है दोस्तों? कम होती है, जिसके कारण बाद में मेरे कानों में सुनाई देता है। तो आपके थर्ड नंबर क्वेश्चन को मैंने अच्छी तरह समझा दिया, शायद मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या इनसे बचा जा सकता है? ठीक है, तो अब जो है नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके, क्या इनसे बचा जा सकता है दोस्तों? इस क्वेश्चन को मैं लास्ट में डिस्कशन करूंगा। अब आसमानी बिजली एक जगह बार बार गिरती है जी, बिल्कुल ये गलत है, ये अफवाह है, इस तरह की बातें नहीं होती है दोस्तों। आसमानी बिजली एक जगह बार बार गिरती है, यदि आपके आसपास में कोई भी इस तरह के भ्रम फैलाए, अफवाहें फैलाएं, तो वो बिल्कुल गलत है। आप उसको समझा सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है। साइंस इस चीज को बिल्कुल नहीं मानता कि एक जगह कहीं आसमानी बिजली गिरा तो वहां पुनः भी गिर सकता है। तो दोस्तों ये भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब बात करते हैं दोस्त, ये जैसे फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, इससे बचा जा सकता है दोस्तों। इस बिल्कुल इससे बचा जा सकता है, यदि आप 5 या 6 बातें माइंड में याद रखेंगे तो कोई भी आसमानी बिजली से बच सकता है, वो सुरक्षित रह सकता है दोस्तों। फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट में आपको कभी भी यदि आसमानी बिजली गरज रही हो या आवाजें आ रही हो या चमक रही हो, तो ऐसे स्थिति में दोस्तों आपको फोन से बातें नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए दोस्तों? इसका कारण जानते हैं, क्योंकि दोस्त आपका मोबाइल जो है टावर से क्या होता है, कनेक्ट रहता है। आपका मोबाइल टावर से कनेक्ट रहता है, जिसके कारण जो है ना आप उसको पकड़े आपको क्षति पहुंचा सकता है, क्योंकि दोस्त आप मोबाइल को पकड़े हुए हैं, आप पृथ्वी से कनेक्ट है, आपका पॉजिटिव चार्ज क्या है, बढ़ रहा है, आपका पॉजिटिव चार्ज है, और आपका मोबाइल टावर से कनेक्ट है, तो वहां से वाइब्रेशन आ रहा है नेगेटिव का, और क्या होगा, नेगेटिव का वाइब्रेशन आ रहा है, तो ये पॉजिटिव उसको खींचेगा, और खींचने के बाद आपके ऊपर आसमानी बिजली गिर सकता है। तो दोस्तों आपको ऐसे स्थिति में क्या करना चाहिए, फोन से बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों। सेकेंड पॉइंट, यदि आप किसी खुले जगह में फंस गए, क्रिकेट खेलने के लिए, या कहीं से आप आ रहे हैं, या आप किसान हैं, ठीक है, आप खेतों में काम कर रहे हैं, या कहीं से आप आ रहे हैं, और उस टाइम क्या हुआ, बारिश भी होने लगी और बिजली चमकने भी लगी, बिजली की आवाजें भी गरजने भी लगी, तो ऐसे स्थिति में दोस्तों यदि अचानक शुरू हो गया तो आप दौड़े नहीं, चुपचाप जहां है वहीं चुपचाप बैठ जाए, कान को बंद कर ले। तो दोस्तों आपने क्या सीखा, क्या समझा आपने, यदि आप ऐसे स्थिति में फंस गए हैं, ठीक है, तो आप ऐसा ना सोचे कि मैं दौड़ के चला जाऊंगा, उस आसपास में घर है तो वहां मैं सुरक्षित हो जाऊंगा। हो सकता है दोस्तों जैसे ही आप दौड़ रहे हैं, आपका जो है ना क्या हुआ, घर्षण हो रहा है, आपका पांव पृथ्वी से क्या हो रहा है, घर्षण क्रिएट कर रहा है, जिसके कारण क्या हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा बढ़ने के बाद आपके ऊपर बिजली गिर सकता है। तो दोस्तों ऐसा गलती कभी ना करें। आप यदि खेतों में फंस गए हैं, आप किसान हैं, या आप कहीं से आ रहे हैं, या बच्चे हैं, कहीं भी आप मान लीजिए क्रिकेट खेलने गए मैदान में, खुला मैदान है, और वहां इस तरह की स्थिति शुरू हो गई, तो आप चुपचाप, मैंने बताया शुरू में ही बताया था कि इसकी ये ज्यादा देर रुकता नहीं है, ये बहुत ही सेकंडों में आता है, चला जाता है, आया चला गया, 0.055 सेकंड में ही क्या हो जाता है दोस्त, ये चला जाता है। इसलिए आपको ज्यादा देर बैठना भी नहीं होगा, लेकिन आपको बचना है, आपके दिमाग में ये चीज होना चाहिए, इस चीज से मैं कैसे बच सकता हूं। तो पढ़ने वाले हैं वो, जो नहीं पढ़ने वाले वो कृपया वो ऐसे स्थितियों में क्या करें, चुपचाप जहां बैठ जाइए। ऐसा तो नहीं आपको 1 घंटा बैठना है, आपको सेकंडों में हो सकता है 2-3 सेकंड एक बार आए फिर आ सकता है, लेकिन आप बहुत जल्दी क्या खत्म होगा, बहुत जल्दी आप जा सकते हैं, लेकिन
तुरंत आप ऐसे स्थिति क्रिएट हुआ है और आप ना दौड़ के जाए, ना ही आप जो है ना दौड़ के भागे, ना ही किसी आसपास के घर जाए, आप चुपचाप वहां बैठ जाइए कान बंद करके, आप सुरक्षित रह जाएंगे, आपके ऊपर आसमानी बिजली नहीं गिर सकता है। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं फ्रेंड्स। थर्ड पॉइंट, मान लीजिए आप किसान है, खेतों में क्या कर रहे हैं आप, बुवाई कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, या आप कहीं से आ रहे हैं, या किसान नहीं भी है, मालिक कहीं से भी, ठीक है, खुले जगहों में फंस गए हैं, तो दोस्तों आप माइंड कहता है, मान लीजिए आसपास पेड़ पौधा रहता है, तो दिमाग एक ही चीज कहता है, माइंड में आता है चले क्यों नहीं उस पौधे के नीचे बैठ जाएंगे, बच जाएंगे, पानी भी नहीं आएगा, ये ऐसा देखने को मिलता है दोस्तों, वो बिल्कुल गलत है, आप अपने जान को जोखिम में डाल रहे हैं दोस्तों। ऐसे स्थिति में आपको पौधे के पास नहीं जाना चाहिए। यदि बिजली चमके, बिजली गरजे, तो आपको कभी भी किसी भी वृक्ष या पौधे के नीचे जाके नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि दोस्त वहां मैक्सिमम चांस होती है आसमानी बिजली गिरने की। क्या होती है वहां बहुत अधिकतम चांस होती है आसमानी बिजली गिरने की। क्यों दोस्तों? क्योंकि पेड़ का जो है, पौधा का जो जड़े होती है, वो सराउंडिंग में फैला हुआ था, आसपास में फैला हुआ रहता है, वहां पर काफी जो पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, क्रिएट होता है, जिसके कारण क्या होता है फ्रेंड्स, नेगेटिव चार्ज की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। और मैं बताया था इससे पहले भी, क्या जब नीचे पृथ्वी की सतह पर हवाएं बहती है, तो एक पौधे पत्तियां एक दूसरे से क्या होते हैं, टच होते हैं, क्या कहते हैं, टकराते हैं, टकराने के बाद क्या होता है, वहां पे घर्षण क्रिएट होता है, वहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा उत्पन्न होता है, जिसके कारण मैक्सिमम चांस रहता है पौधे पे क्या, आसमानी बिजली गिरना। आपने सुना भी होगा, पौधा पे गिरता है, जला दिया, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में दोस्तों आप पेड़ पौधे के नीचे जाके ना छुपे, आप खुले जगह में खेत में आराम से बैठ जाइए, कान बंद करके, आपके ऊपर बिजली नहीं गिरेंगे। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं फ्रेंड्स। थर्ड पॉइंट जो है दोस्त, आप किसी मान लीजिए मार्केट में या कहीं भी है, आप टावरों के पास ना जाके रुके, टावरों पे ज्यादा चांस, क्योंकि सभी टावर में कॉपर का जो है ना होता है, उसमें नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि बहुत कम ही ऐसे हमारे सिस्टम है आज के इंडिया में, हर जगह जो है ना इतना आदमी के पब्लिक के बारे में लोग नहीं सोचता है, इसलिए आप कहीं भी ऐसा नहीं कि टावर है आसपास में उसके संपर्क में है या बातें कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ना करें। यदि आपके आसपास पास टावर भी है, तो कृपया अपना रूम में रहे, तो उस टावर के पास नहीं जाए, और या उसके संपर्क में कम से कम माइंड में रखे, उससे हम डिस्टेंस बना के रखे, हो सकता है पॉसिबिलिटी है उस पे आसमानी बिजली गिर सकता है। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों। फोर्थ पॉइंट में आपको दोस्तों जैसे मान लीजिए कि बिजली चमक रही है, बारिश हो रही है, मैं छाता ऐसे करके मैं जा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं तो अपने काम पे जा रहा हूँ दोस्तों। ऐसे स्थिति में भी देखा गया है, यदि बिजली गरज रही हो, बिजली चमक रही हो, और आप छाता से कहीं से जा रहे हैं, तो ऐसे जो है वहां पे भी आसमानी बिजली जो है ना गिरने की चांस होता है। बोलिए क्यों? हर चीज देखिए दोस्तों, मैं बता भी क्या कहते हैं, कोई भी चीज का जो है मैं उसका रीजन साथ देते जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि दोस्त छाते की जो रड होती है, जिसको आप पकड़े हुए रहते हैं, ये होती है लोहे की। किसकी होती है? लोहे की होती है। उसको पकड़ के आप खड़े हैं, आप किससे? पृथ्वी से कनेक्ट हैं, ठीक है। तो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आपका काम कर रहा है, पूरा पॉजिटिव चार्ज कम कर रहा है, और नेगेटिव चार्ज तो वो चाह ही रहा है कि आए नीचे, और पॉजिटिव चार्ज चाह ही रहा है हम उसको खींचे। ऐसे स्थिति में आपके ऊपर क्या हो सकता है, आसमानी बिजली गिर सकता है। तो दोस्तों ये फोर्थ पॉइंट हो गया, तो यही तो आपका सवाल था ना, क्या इनसे बचा जा सकता है, यही सब बचने का इसका उपाय है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो कुछ कॉमन वाली बात बात करते हैं दोस्तों। जैसे हवाई जहाज है, आप ये भी सवाल कर सकते हैं, सर हवाई जहाज है उस पर क्यों गिरता है? तो दोस्तों उस पर भी गिरता है, बट वो इस तरह बनाया गया है कि उस पर कोई वो ग्रसित नहीं होता है। आप बोलेंगे सर ऐसा क्या बनाया गया है? साइंस पढ़ने वाले विद्यार्थी तो ये सवाल करेंगे, सर ऐसा बताओ, इसका रीजन बताओ क्या है। दोस्तों इसका रीजन ये है, इसका जो एल्यूमिनियम का एलॉय जो होता है, उससे इसका बॉडी को बनाया जाता है। ऊपर वाले की ऊपर हवाई जहाज के ऊपर की जो बॉडी होती है, एल्यूमिनियम के एलॉय की बनाई जाती है, जहां पे और बनाई जाती है, और उसको जो चिकनी, बहुत ही चिकनी, एकदम जो है ना चिकनी चीजों से क्या किया जाता है, पेंट किया जाता है। क्या होता है, जब उस पे आपने, मैं आपको बताया था आसमानी बिजली का क्या होता है, करंट ज्यादा होता है, जब उस पे गिरता है तो वो एक्सपेंड हो जाता है। जब आसमानी बिजली क्या होता है, हवाई जहाज पर गिरता, मान हवाई जहाज उड़ रहा है, उस पर आसमानी बिजली गिरा, तो क्या होता है, जैसे ही गिरा तो वो तो सेकेंडों के लिए आता है, तो क्या होता है, एक्सपेंड हो जाता है। क्यों एक्सपेंड हो जाता है? पहला कारण, उसका बॉडी जो ऊपर का बना हुआ था, एल्यूमिनियम एलॉय का बनाया जाता है,
एलुमिनियम एलॉय का बना जाता है, और उसका जो पेंटिंग किया जाता है दोस्तों वो जो है ना पूरा बहुत ही चिकनी पेंटिंग किया जाता है, ताकि करंट उस पर गिरे भी तो वो एक्सपेंड हो जाए, फैल जाए। और ऐसा होता भी है, ऐसा नहीं है कि मतलब जो हवाई जहाज पे जो है ना क्या कहते हैं आसमानी बिजली नहीं गिरता है, नहीं गिरेगा, गिरता है लेकिन उसे क्षति नहीं होता, क्योंकि उसका बॉडी इस तरह का बनाया गया है। ये सब छोटी छोटी बातें था दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं इस चीजों को जो जनरली जो है ना पढ़ने वाले और नहीं पढ़ने वाले सभी के माइंड में इस तरह की बातें आती है, क्यों वो गरजती है, क्यों वो गिरती है, आवाजें क्यों आती है, तो मैंने सारे डिटेल बताया साइंटिफिक चीज से, रीजन से दिया मैंने। और उसके बाद जो है ना पांच क्वेश्चन भी मैं आपको ये बताया, ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये मतलब का कोई क्वेश्चन नहीं है, और इसका भी बता दिया पांच छह ऐसे पॉइंट है, आप यदि अपनाते हैं तो आप सुरक्षित रह सकते हैं। दोस्तों बिजली गिरती है पहले लाइटिंग फिर आवाज आती है, मैं समझा दिया क्यों, क्योंकि प्रकाश गति जो होती है ना लाइटिंग की गति ज्यादा होती है और आवाज की गति कम होती है, इसलिए पहले देखने को मिलता है बाद में सुनने को मिलता है। अब जब बिजली गिरती है तो आवाज क्यों होती है, क्यों आवाज होती है, क्योंकि उसका हीट इतना ज्यादा होता है और इतना हीट ज्यादा होता है कि ठंडे के संपर्क में आने के बाद छनछना आ जाता है, जिस तरह कढ़ाई में आप कोई सामान डाले हैं, ये भी आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं फिर आसमानी बिजली क्यों गिरती है, क्यों गिरती है, क्योंकि नीचे का भाप जो है, भाप नीचे का जो है ना वाष्प क्या होता है, भाप बन के ऊपर उठता है, 165 मीटर ऊपर जाने के बाद क्या होता है छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, और वही जब आपस में टकराता है तो क्या आसमान से बर्फ नीचे गिरता है, और उसी टाइम क्या होता है एक स्टैटिक घर्षण क्रिएट होता है। स्टैटिक घर्षण जो क्रिएट होता है वही स्टैटिक घर्षण के कारण दो तरह के आवेश उत्पन्न होता है, एक नेगेटिव आवेश जो ऊपर रह जाता है, एक पॉजिटिव आवेश जो नीचे गिरता है, तो दोनों पॉजिटिव आवेश नीचे इतना हो जाता है कि पांच पॉइंट था, इस पांचों पॉइंट को मैंने कवर किया फुल्ली रूप से आपको बताने की कोशिश किया। ये पांच तरह के क्वेश्चन आप जब आपके माइंड में बार बार रिपीट करता होगा, आता भी है, तो इसको मैंने भरपूर कोशिश की समझाने का। दोस्तों इसमें एक नेक्स्ट पॉइंट जान लेते हैं, आसमानी बिजली तीन तरह के होते हैं, कौन कौन सी होती है, एक होती है इंट्रा क्लाउड, एक होती है क्लाउड टू क्लाउड, एक क्लाउड टू ग्राउंड। ये तो फ्रेंड इंट्रा क्लाउड जो है ये हमारे लिए हार्मफुल बिल्कुल नहीं है, इसमें हल्की सी आवाज आती है जब आपस में टकराती है, तो क्लाउड टू क्लाउड जो है ना इसमें ये आपस में क्या होती है टकराती है बट आवाजें करती है लेकिन पृथ्वी पर गिरती नहीं है। दोस्तों क्लाउड टू ग्राउंड ये भाई साहब अपनी पृथ्वी पर गिरता है तो कितनों की जान लेके चला जाता है, कितने क्षति पहुंचा के चला जाता है, यही है क्लाउड टू ग्राउंड। पढ़ने वाले बच्चे इस चीज को माइंड में रखे, क्लाउड टू ग्राउंड वाले जो है ना क्लाउड टू ग्राउंड आसमानी बिजली ही क्या होता है पृथ्वी पर गिरता है। दोस्तों मैंने कोशिश तो की, भरपूर कोशिश की आपको इस टॉपिक को अच्छी तरह कवर करवा दूं, ताकि आपको कहीं से और नेक्स्ट वीडियो नहीं देखनी पड़े, यहाँ तक आपको बुक भी नहीं पढ़ना पड़े। इतना यदि एग्जाम में पूछता है तो बस एग्जाम में एक दो बातें आती है, सो क्या कहते हैं इसका जो वोल्टेज क्या है, इसका हीट क्या है, इसका जो करंट क्या है, टाइमिंग क्या है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता है। यदि पढ़ने वाले बच्चे इतना याद रखेंगे उसके लिए सफिशियंट है। और सबसे बड़ी चीज़ है ऐसे टॉपिक नॉलेज वाली होती है, ज्ञान वाली होती है, ताकि कहीं पे भी इस तरह के जो पढ़े लिखे हैं उनके वो भी चर्चा इस बातें पर करते हैं, ऐसा क्यों होता है, क्यों जो आवाजें क्यों करता है, गिरता है तो मर क्यों जाता है, इस तरह की बात नॉलेज होनी चाहिए, ज्ञाने होनी चाहिए, ताकि आप एक दूसरे को समझा सके। जैसे ये जो है ना फिफ्थ नंबर का जो क्वेश्चन था आपका, ये बिल्कुल अफवाह होती है, जो गाँव भर में देखने को मिलता है, जहाँ एक बार गिर गया वहीं बार बार गिरेगा, पानी है वहाँ एक बार गिर गया तो वहीं गिरेगा, पोखर है तो वहीं है तो वहीं गिरेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों, साइंस इस बात को नहीं मानता है। दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं मोटिवेट होकर अच्छे से अच्छे टॉपिक पे वीडियो लाऊं एग्जाम के व्यू से, ताकि आप एग्जाम में बैठे तो आपका ये भी क्वेश्चन नहीं छूटे, क्योंकि दोस्तों आप मेरी मेहनत को देख रहे होंगे, बस आप यदि मेरी मेहनत को रंग देना चाह रहे हैं तो बस आप करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। शेयर तो आपको 100% करना है दोस्तों, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पैसे देके पेमेंट पे करके वो कोर्स नहीं ले सकता है। YouTube अभी तो ऑफलाइन हर जगह बंद है दोस्तों, ऑनलाइन चल रहा है, तो ऑनलाइन जो है ना हर जगह मैक्सिमम जगह क्या कर दिया गया, आप पेमेंट दो कोर्स खरीदो। दोस्तों मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ अभी प्रेजेंट में, मैं ऐसे बच्चों के लिए 100% मैं 100% वीडियो लाऊंगा, जो बच्चे बिल्कुल ही पे नहीं कर पा रहा है, वो सक्षम नहीं है, तो मैं ऐसे बच्चों के लिए मैं भरपूर मेहनत कर रहा हूँ और करता रहूंगा बच्चे, इसलिए आप शेयर जरूर करें, ताकि ऐसे बच्चों तक मेरी वीडियो पहुंचे और उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हो, उनकी पढ़ाई बंद नहीं हो पैसे के कारण। तो दोस्तों प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।